अखिल भारतीय डाक सेवक संघ जिला राजगढ़ आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। संघ के केंद्रीय संरक्षक रघुवीर सिंह रघुवंशी द्वारा जारी सूचना के अनुसार हमारी मांगे बहुत पुरानी है। सभी सरकारी लाभों के साथ 8 घंटे काम और समान वेतन सहित चिकित्सा बीमा एवं शासन की सभी योजनाओं का लाभ की मांग वर्षों से लंबित है। हमारे निचले स्तर के ग्रामीण स्तर के कर्मचारी ज्यादा मेहनत और बिना सुविधाओं के वर्षों से कार्यरत है, इसलिए आज से हम हड़ताल पर हैं। पचोर, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, जीरापुर जिले के अनेक स्थान पर डाक सेवा हड़ताल पर है और अपनी मांगों के लिए केंद्र से मांग के पोस्टर बैनर लगाए। सहारनपुर में संगठन के संभागीय सचिव मनोहर लाल सोनी, कृष्ण वल्लभ राठौर, मंगू सिंह सोलंकी, विजय सोनी, विजय कुमार जीडीएस हड़ताल पर है और अपने हक की आवाज उठाई, अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक मांगे रखी। देखते हैं वंदे भारत न्यूज चैनल से फूलचंद अहिरवार के साथ। राजपाल कालोड़ी जैसे सहारनपुर से ये बताना चाहता हूँ सभी देशवासियों को कि GDS जो ये जो अपना पोस्ट ऑफिस है इसकी आत्मा मानी जाती है, जो गांव गांव तक पहुंच बनाता है और जो गांवों में एक एक व्यक्ति से जुड़ता है और सभी की पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेवा करता है, जो कि एक अस्थायी तौर पर और इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स जो कि मतलब इंसेंटिव के तौर पर काम कराया जाता है, उसके कार्यभार में नहीं लिया जाता है, तो उसको कार्य में जोड़ने के लिए तथा जैसे 4 घंटे की ड्यूटी हम लोगों से कराई जाती है तो इसको बढ़ाकर 8 घंटे के करने के लिए आज हम सभी लोगों ने यहाँ पे सहारनपुर में एकत्रित हुए हैं और पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की मांग की गई है। सभी से निवेदन है कि ये सभी GDS शामिल होकर